बॉलीवुड एक्टर इरफान खान का आज मुंबई में निधन हो गया। वे कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती थे जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई थी। फिल्म डायरेक्टर सुजीत सरकार ने इरफान खान के निधन की खबर दी है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, मेरा प्यारा दोस्त इरफान, तुम लड़े और लड़े और लड़े, मुझे तुम पर हमेशा गर्व रहेगा, हम दोबारा मिलेंगे। सुतापा और बाबिल को मेरी संवेदनाएं, तुमने भी लड़ाई लड़ी। सुतापा, इस लड़ाई में जो तुम दे सकती थी तुमने सब दिया। ओम शांति। इरफान खान को सलाम। इरफान खान के यूं चले जाने से उनके फैंस और बॉलीवुड सेलेब सदमे में हैं। दो साल पहले मार्च 2018 में इरफान को न्यूरो इंडोक्राइन ट्यूमर नामक बीमारी का पता चला था। विदेश में इस बीमारी का इलाज कराकर लौटने के बाद इरफान खान ने अंग्रेजी मीडियम में काम किया था। हालांकि किसे पता था ये फिल्म इरफान की जिंदगी की आखिरी फिल्म साबित होगी। बॉलीवुड में योगदान के लिए इरफान खान को कई बड़े पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। इरफान खान को साल 2011 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा साल 2012 में उन्हें फिल्म पान सिंह तोमर के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें साल 2004 में बेस्ट एक्टर फॉर निगेटिव रोल के लिए फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया था। इसके अलावा साल 2008 में बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था।